किसमें आ गया इतना दम कि वो कर दे अजय देवगन को सिंघम 3 में रिप्लेस। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम सिंघम की बात करते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही तस्वीर झलकती है और वो तस्वीर है अजय देवगन की। और हम यकीनन किसी और को ये भूमिका निभाते देख कबूल नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास सिंघम नाम की एक और फिल्म है। दोस्तों, यहाँ हम तेलुगु की हिट फिल्म सिंघम 3 की बात कर रहे हैं। दरअसल पैन एंटरटेनमेंट के जयंती लाल गाड़ा ने तेलुगु हिट फिल्म सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं, जिससे कि वो हिंदी में उसका रीमेक बना सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत जामवाल इस रोल को निभा सकते हैं, जिन्होंने इनके साथ पहले ही कमांडो की सीरीज की है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का अजय देवगन की सिंघम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बात करें कमांडो की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां विद्युत ने कमांडो 1 और 2 में अपने एक्शन स्किल दिखाकर फैंस के दिल जीत लिए थे, तो वहीं खबर है कि विद्युत फिर से अपने फैंस के दिल जीतने और फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जल्द ही बिग स्क्रीन पर कमांडो 3 से वापसी करेंगे। दोस्तों, अगर बात रही अजय देवगन को रिप्लेस करने की तो ये तो गारंटीड है कि कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो उनके अभिनय, एक्शन और टशन को रिप्लेस कर सके। बात करें सिंघम 3 की तो वो बेशक बनेगी और किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं होगी, बिल्कुल ही ओरिजिनल स्टोरी होगी। वैसे दोस्तों, फिलहाल रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के साथ सूर्यवंशी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एक झलक फिल्म सिम्बा के अंत में दिखाई भी गई थी। तो दोस्तों, आप विद्युत के एक्शन और टशन को फिर से देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।